आधार नहीं, आधार लेन करे तो वह भक्ति नहीं आती ने। मगर मसरे पूर्व जन्म रो वेर तो, और जरे आती पानी पीवा गियो जरे बड़े मगर मस आती ने पकड़ियो। एक जवत भर हूं बारे दी, मेहनत घनी की दी आती, घनी आपनी कोशिश बल ने कौम में लीदो, पर आती रो बल कोई कौम में नहीं आयो। जब लग गज बल अपनो वर्तियो, तनिक सरियो नहीं कौम। हाथी खुदरो जोर की दो अतरे एक तनकला जितरो कौमे नहीं आयो। जब लग गज बल अपनो वर्तियो, तनिक सरियो नहीं कौम। निर्बल होए के राम पुकारियो, जरे आया आदे नाम। हिम्मत हारियो के भगवान राम राम रागुसारी पूरो राम नहीं बोले है क्यो। के भगवान आवेन वन हाथी रो फंदरो काटियो, ने हाथी जोर की दो जितरे भगवान नहीं आया। देखता था पोतारी हिम्मत हारियो, कोई आधार नहीं के मैं ईश्वर मारे हाथ में कोई सारो नहीं है, जरे भगवान मनो मदद करे। बिना व्रत नर खेल करते है, लगी डोर भूई भारी, जीव गमायो मौज नहीं पाई थे, एक पलक में भवारी। देखा शेकी मत कर साधु, एक सैन गुरारी गम है न्यारी। गिरदारी गाया सरावे, भगवान कृष्ण गाया सरावता, बंचली बजावता। और कृष्ण भगवान रखे 16108 गोपियां, 16108 अत्री जनारे गोपियां थी। और जो कोई उनारी बराबरी करे कि भाई वणा ने दोष नहीं तो तो सीधो नरक में जाए। क्यों राम मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी री टाइम में तेता युग में तो एक राजा लोग पचास पचास विवाह करता, पर रामचंद्र जी एक ही विवाह की दो। क्यों वणारा नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर राम यूं करे तो वणा ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कहे। कृष्ण भगवान और राम कृष्ण एक है, दो नहीं है। पर जन टाइम सीता जी जमीन में समाया, जमीन में समावा लगा, वन टाइम भगवान कियो सीता जी ने के दुआ पर रे मैं मुँह कृष्ण अवतार लू और थे राधिका जी रो अवतार ले जो। तो सीता जी कहेगा मैं मुँह थाने हाथ जोड़ू, हमें आकी जिंदगी ओ थोड़ा हाथ की दो ही घने हुए, थोड़ी मर्यादा पाले पाले मने सुख रही वायु रही श्वास ही नहीं ली दो। सीता जी कहे के थे तो बड़े कृष्ण अवतार दुआ पर मैं लो, मने बड़े अब माती ने थारो हाथ नहीं दबे, अत्री मर्यादा माती नहीं पाली जे। क्यों मर्यादा रा कारण थे मैं सुखती एक श्वास नहीं ली दो। कृष्ण भगवान सीता जी ने कियो, अरे रामचंद्र जी सीता जी ने कियो के वो हमें बीजो युग आवे, ओ हमें मर्यादा रे पाली ओ युग नी दुआ पर बीजो युग आए वटे मर्यादा हरियादा बचा अपने कोई नहीं राखो। कृष्ण भगवान कहते मर्यादा कोई नहीं राखी। कृष्ण लीला आप देखो, जरे भगवान ने जो अवतार ली दो, रामचंद्र जी अवतार कृष्ण अवतार हुआ, वही सीता जी अवतार राधिका जी हुआ, राधिका जी हुआ। तो पहला तो कहीं तो रामचंद्र जी अवतार हुआ जरे तो 9 वर्ष सीता जी थी, रामचंद्र जी मोटा था। ने बीजा जन्म रे मैं कृष्ण भगवान हुआ दुआ बीजा युग में, जर राधिका जी 9 वर्ष बढ़िया था, ने कृष्ण भगवान 9 वर्ष छोटा। क्यों भगवान ऐसी मर्यादा पाले के वन टाइम मुंह बढ़ियो तो ने छोटा था तो हमें ए बढ़िया ने मुंह छोटो हो, वटे लक्ष्मण छोटा था भगवान ने बढ़िया था तो वटे बलदेव जी मोटा हुआ भगवान छोटा बढ़िया। कृष्ण भगवान बदला परा बराबर, भगवान रे घर में बराबर नहीं आवे। मनक ने लागे कि भगवान बराबर नहीं करता, पर मनक भलो आदमी है बराबर कन्नी खराब नहीं करे तो भगवान कन्नी खराब थोड़ी करे, भगवान करता है वो बराबर करता है। जरे कृष्ण भगवान बाल लीला, एक दिन जमुना जी किनारे कोई उत्सव मनायो, जमुना जी किनारे उत्सव मनायो जो नंद बाबा रे बैठे, कृष्ण भगवान आंगली पकड़ी हाथे गया नैना था। कृष्ण भगवान नंद बाबा री आंगली पकड़ी बटे जो जमुना किनारे उसरो कोई उसरंग है तो उसमें मनाया, वन टाइम है जो राधिका जी बटे गिवड़ा, और जन टाइम राधिका जी ने कृष्ण भगवान रे कोई हपकड़नी बात भी जी भी बोली। जो नंद बाबा कहे के थे राधिका जी के घरे जा तुम्हारे टावर ने लेता जा, माँ ने जसोदा जी हूं दो हाथे हाथ लेन गया। तो भगवान है जरे राधिका जी बना रे घरे जाता नंद बाबा रे जसोदा जी रे घरे, राधिका जी देखता कि भगवान हाथ में मंचली वेती नहीं रही, सीताराम रा वेजी प्रवेत है कहाँ वह पूर्व याद आती तेता युगरी के मुँह रामचंद्र जी अवतार तो ने सीता जी था जो वन कारण थी। एकदम है जो कोई जाने कोरी और मूर्ति वे जी कृष्ण भगवान सीताराम रा वेजी वेता, जरे एक दिन है जसोदा जी जसी के मारो कृष्ण अत्रो लबको है, पर आ राधा अटे आवे राधिका जी वन टाइम वो कृष्ण अत्रो शांत क्यों वे, पर सोरी फूट रही है कौन जसोदा जी के सोरी पण फूट रही है, एड़ी मारे आंगणे वे तो फूट रही देखी
एक दिन हिम्मत की देखा मोनी मान राजगारी मान जाइन कौन कर थारे हपकण करे परो तो है तो दिन में छोकरो नैनो ना मोटी पण देखो करे तो एक दिन जशोदा जी कराद करी मां ने जाइन पूछियो के मु तो ई काम आई पूछवा आई मारी बात राखो नी वो जो मन रीति पूछियो तो के कौन ही काम बात है आज बड़ा घर रहा मारे घरे की करे तो के थारे राधा है जो मारा कृष्ण हपकण करो जाओ के टाइम आज मती मारतो टेकन ने थारे मु तो काम करू पण पूरा ब्रज में कोई कृष्ण ना कूड़ सारो को थारे हपकण नी करे सोटो एक नंबर रो ने कदी कहजो मती के मारे कटे मारी राधा ने कटे थारो कनैयो एकदम अपमान कीधु जसोदा जी कह रही पगो एटली जमी जाए घरे आया घरे आवीन काम काज कोई नहीं करनो जसोदा जी उदास वीन बैठा न बर्तन वासन मौजे न घर कोई साफ सफाई कोई नहीं जेड़े नंद बाबा घरे आया नंद बाबा आवीन जसोदा जी की रे हे काम तो के कण कृष्ण कन्हैया थी मुकाई हुई मारे आज मुई पूछवा गिन मारो यो अपमान कीधु राधा री मां तो के अतरी थारे का उतावले कन्हैया का मोटो प्रभु जो अपमान करवारी गई एड़ी का उतावल थी तो के उतावल तो कोई नहीं मने जैसी छोकरी ठीक है पूछवा गिन मारो तो एड़ो आज अपमान कीधु है जतरे तो कृष्ण भगवान बारे उबा उबा हमले के वात तो मारी है कोई 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 वात मदक मारो है आवीन पूछियो काम मां के तू मने मुंडो मती बता थारी जंग उपाधि हां के आई बात तो एक दिन कहीं भगवान कियो के मु आपे थाले पाड़ तो राधा है रात का जी हां छोकरियां बेड़ा रमता रमता एक दिन मुरसा आई अकस्मात जो को बेवस छूटा वालो छूटो जरे हैंग छोकरियां वही भेड़ी ने वने राधा री मान के वन कन्हैया ने बोला के वो तो एड़ो झाड़ा करे जो कई जना रे आराम बे कन्हैया ने बोला वो तो थारे राधा रे जीवे नी तो परी मरी हमें याद आयो जाऊं की कर वंदन कन्हैया री मां नंद अपने जसोदा जी ने तो मारा घर में अपमान कर काढ़ियो हमें बुलावा की कर जानो पण हमें दीकरी रो सवाल जानो पड़ी परी जाए छोकरी हाथ में दौड़िया दौड़िया गया के वे तो बराबर मन ही नहीं मिले कावेंगे के थोड़ी आप बड़ा आप समा करो मारी तो भूल परी वे आप तो मई तो अरे पण हे काउ के मारी छोकरी हाथ में जाए राधा ने कन्हैया ने मेलो के तो कोई झाड़ो झपटो करे झाड़ झपटो काउटा कटे जो बारे तो हमें छोकरियां वन राधा री मान लड़े के थे मोटी छोकरी बारे की जावा दियो आजकल एडी टाइम खराब है कोटी कूड़ा पड़ियो भूत पलीत ने डाकना घनी रहे हमें लावो जो को बात करो कने अबे जसोदा जी जो कृष्ण भगवान ने हमें ओख खड़े के प्रो बोलियो के प्रो गियो तो भाड़ जी के मु तो बोलू ही नहीं हाँ हमें राधा री माँ कहे जसोदा इनके कन्हैया मिलो बासी थोड़ो बोलो भाई तो कह काला हुआ का मारो कन्हैया छोकरो को कोई झाड़ा झपटा जोड़े अरे कह जोड़े मंटा जाओ थे जोड़िया घने अने के पूरा जानता वे तो कह ए प्रो कह हम जानू तो तो के हाँ पूछो कैसे जानो जाड़ो जगह जाड़ो तो मुझे जानो जसोदा जी वहां बताया मैं तो ना दी देता पण के ना दी दे तो ठेको तो मुझे जाऊं नहीं बटे पण जाड़ो मुझे जानो नहीं जानो की कर को तो के थारे जेंग को में जतरे नंद बाबा गिरी आया नंद बाबा के हे का के के बने जाड़ो देना नहीं कोनो वो काना जाड़ा दियो वो कावने सोरे धधन की दो तो के थे काला ओकने आराम वे तो जावा दियो के जाड़ो का है कृष्ण भगवान ने हाथ में लिया कृष्ण भगवान जाए मोरियारी पोंख रखता माता में जो फेरी पोंख ने खट बैठा हुआ ना पोंख लेन के वो आ तो के थोड़ा छोकरी जीवे नहीं थोड़े कर्मों तो उतरी अरे कोई की ना हावड़े के थोड़ी की आशा है आजरी आज ने कटे हपकन करो पराई करो तो वरना धकला रा कर्म जोर करे हाँ आगला रा कर्म जोर करे कदाच जीवे नहीं थोड़ा कर्मों तो उतरी हाँ हमें राधा जी माँ कह रहे कटे घरे जाऊ सतो पूछी अटा ऊपर बोले कैडो हपकन वे तो मंत्री संकल्प कीधो के आज आज मन में वने राधा री मां के आज आज जाइन मु नंद बाबा रे गरी कृष्ण कन्हैया रो हपकन रो करू ने माते पोंग फेरी के आराम कृष्ण भगवान तो पाछा छोकरो भेळा रमवा गिया बरा छोकरो भेळा गिया ने पाछा गिया जाय ने देखो पहला का करता के एड़ो कंकू रो तलक करता ई हपकन करता जरे सोंद लो करता वटे गिया जको जाय ने हर लीदी के मु तो मैं हपकन करू मारी छोकरो मार नहीं करनो के मारो कन्हैया सोटरो कूड़सो थे जाओ के हां छोकरी फूट रिया तकड़े घणा हावळ वेटे दीजो अरे के हमें थे राजी पे हूं करो दियो वैराज पे मुंह सोल लो करिन जाऊ सोल लो के तो पणीरा माते के बार भीतरे उपली थलगट रे करे को वा तो मोड़ी सोल लो करिन गिया बरा जेड़े नंद बाबू घरे आया ने मैं बात मन में तो खुश था कौन जसोदा जी के मारे ने राधा रो हपकन कने यार करनी तो हमें जो नंद बाबू घरे आया लोग लुगाई ब्राह्मण ने बोलावे दान दिए ने गाय ने टोगड़ा ने वियणड़ी गाय वासड़ा हमें थी दान करे उसरंग मनावे जतरे कान कृष्ण भगवान आया आवे ने पूछे हवले हवले मां के आज घणो उसरंग मनावे कावे के हमें थारी माया थू जाने ना ना तई कहे के काम का बाल मोड़ी सोद लो करिन गे अरे के तू मने हुकम नहीं देती नी तो वो सोद लो का आका बार भीतर सोद लबरा कराऊं पण थारो हुकम नहीं है
तो कृष्ण भगवान 16,108 गोपियां रखता, क्यों रखता था? और जीवों ने बोध देवा हरू, बाकी ली जो प्रजा पब्लिक है वनों ने उपदेश देवा हरू, वनदाड़ी जर कृष्ण भगवान हता वनदाड़ी उपदेश देवा हरू, ने आज ही अपने उपदेश लेवा हरू। 16,108 शक्ति है अपने खोपड़ा में, अपनो मातो है हरेक आदमी रे, हर मन करे माता रे, मैं 16,108 शक्तियां है, वे झीनी झीनी तंतु नाड़ियां है, वे हैं काम करे। कोई के कारण आदमी खड़ो दिमाग वकील है, कोई के वो मनिष्ठ दे, कोई के मात्र मोटा सिद्ध है, बना रहे काम वे तंतु वे नाड़ियां हैं काम करे। ने जन्नी मारे हाथी बुद्धि बद्दी है, बना रही नाड़ियां कोई थोड़ी घनी काम करे, बीजी हैं असेत पड़ गए। हर एक आदमी रे 16,108 नाड़ी हैं और खोपरा में, और वे हैं पूरी करने जागती थी एक कृष्ण ऋषि। 10 अवतार हुआ है, 10 अवतार मोटा, सब अवतार छोटा, 24 अवतार हुआ है, पर 16,108 नाड़ी तो कृष्ण ऋषि काम करती और कोई भी नहीं की। तो वे कान आरू रखता था, ये तो नहीं कहता था मुड़ाती के यूं है, पर वे भाई समझदार वे कोई ऋषि मुनि वे बोध ले उपदेश ले जो प्रा हजमी के 16,108 नाड़ी कृष्ण ने काम करे, 16,108 नाड़ी हैंगो रिखने। और वे तो कहता था अन कारण थी, ये उपदेश देवा रखता था, और मन कह के अनमें कारण अपराध है, कृष्ण भगवान ने 16,000 रोणियां थी तो सीधो नरक में जावा रिश्ते ने। गिरधारी गायन सरावे शेष गोपियारा भरतारी, वन पुरुष री करे बराबरी तो नरक जाए नर नारी, देखा शेकी मत कर साधु सैन गुरारी, गम है न्यारी, न्यारी। राजा जनक आत्म सीनो राज की दो दुबिया टाड़े, आत्म सीनो, सीनो मतलब आत्मा ने देखी, राजा जनक राज की दो आत्मा ने देखी और दुबिया ने दूर की दी। राजा जनक ने सुखदेव मुनि उपदेश लेवा गया था, सुखदेव मुनि उपदेश लेवा गया, वन टाइम राजा जनक के कड़ी माया रसी के एक हवन कुंड बनायो, विधि बनाई और वन में बैठा बैठा आउथी दिए। राजा जनक री रानी जो माने था देखो डावा आंग में खोला में रानी बेवाड़ी ने रानी रे खवा माते हाथ ने एक हाथी आउथी दिए, एड़ी माया देखावा सुखदेव मुनि ने देखावा हारू। सुखदेव मुनि वेद व्यास सिरा पुत्र राजा जनक ने उपदेश शिष्य बना सेला बनवा गया था, वन टाइम ऊपर ज्ञान देखिए राजा जनक ने के मने वेद व्यासी मारा पिता कटे मेली है तो माया में लपटोन उड़ाए, उन्होंने मुँह गुरु की कर मानू, मैं तो त्यागी हूँ। सुखदेव मुनि कह रहे त्यागी रे तो गुरु भी महान त्यागी सही जे। जिन टाइम सुखदेव मुनि जैन रामा समानी की बैठा बड़ा राजा जनक के उपदेश लेवा आया है, पर अन मन में भ्रती है भाई रानी रानी ने खोला में लेन बैठा है, जो को उन्होंने चमत्कार नहीं देखा हो तो सुखदेव मुनि आवे मने नमस्कार नहीं करे और नी नमे जड़े उपदेश नहीं लागू वे तेरे आउथी देता देता वो हाथ वन कुंड रे मैं अग्नि रे मैं हाथ जले रही हो ने राजा आत्मा परमात्मा मिलाई देती राजा अलग वे गया शरीर थी जतरे रानी री नजर पड़ी रानी राजा रा हाथ अग्नि माई थी कुंड माई थी बारे ली दो राजा शेतन हुआ शेतन तो कहता है रानी क्या हुआ के अंदा था आप रो हाथ जले रही हो के रानी मारो हाथ जले मने कोई गम नहीं है कोई खबर नहीं है के क्यों रानी कहे हाथ जले ना आपने ठही नहीं के रानी मन कोई गम नहीं है कारण के रानी मैं विदे हूँ जिता पहला रानी था नहीं तो राजा विदे है रानी मैं विदे हूँ रानी के एक विदे बड़े कहड़ा वे खे कह के देती कदी कदी अलग वे जाऊं तो आप विदे उन मन तो विदे बनाई कौन खे रानी बनाई वड़ा विदे नहीं बनता वो तो कई जन्मारी कमाई करता करता आवे कमाई भेड़ी वे जर विदे अपने आप वे कने बीजा ती की दोड़ा विदे नहीं वेता जरे क्यों का राजा जनक आत्म सिन्हो राज की तो दुख दिया टाड़ी एक हाथ माया पर धरियो दूजे अग्नि जारी देखा शे की मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी भजन विना आन सब भरिया ईश्वर रा भजन विगर मनक जमारा आवे पेट भरनो हुनर करनी वन में तो कोई नवाई नहीं है ईश्वर री भक्ति करनी जन जन्म जको मनक जमारे आयो मारा गर्भ में आवे ईश्वर री भक्ति नहीं की दी संतारी ओली में वनो नाम नहीं है कटे संत बैठा वेन वर्णन याद नहीं करेगा एक फलोड़ा गांवड़ो भगत हकरो अत्रो कदी जिंदगी में नहीं कहवड़ावे कटे संतारी बैठक में जाए वर्णन आग आव करो नहीं मरे संतारी ओली में बेवान नहीं मरे तो वो मारा पेट में आयो धिकार है जरे किए थे भजन विना आन सब भरिया पेट भरवा अधिकारी पेट भरना तो कूद रही भरे वना विवेकी आवे सब मलिया जरो खपर भरे माँ काली देखा शेती मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी तो के हृदय ज्ञान सुरत जारी नैसे जिन हृदय में तो ज्ञान और सुरता वनारी निर्भय नैसे बुगोड़ी हृदय ज्ञान सुरत जारी नैसे वन भाइयों ने घनी बलियारी भाण प्रताप बने रही दासा तो प्रीत करो कोई अधिकारी अरे देखा शेकी मत कर साधु सैन गुरारी गम है न्यारी।
જેઠલ નહીં બધા બોલે ભાઈ મારી જેઠલ નહીં બધા સોરી ભાઈ અમે જેઠલ પાટવી ભગવાન નો વનવાસ, રામચંદ્રજી નો વનવાસ, જેમ તેમ લક્ષ્મણજી, તુલસી કૃત રામાયણ, તુલસીદાસજી મહારાજ તો રામાયણ મેં નહીં લખ્યો હે, પણ સંતે કઈ શાસ્ત્ર નો મથન કરે ઓર મેં સારંશ નિકાલ્યો.
तुलसीदास रे ग्रंथ है एकली रामायण तुलसी कृत रामायण आप जगत ज्यादा वापरे है मन को कारणती मन कोई कई जना मारे हाथी समझे एक भाई तुलसीदास जी एक रामायण ही बनाई है पर रामायण अलावा अग्यारे शास्त्र भले तुलसीदास जी बनाई है पूरा तुलसीदास जी महाराज रा बारे ग्रंथ है वे बारे ग्रंथ देखे तो हैंग वातों रो ठा पड़े नीतर बना वाचिया बना दे क्यों पता मन कहीं करे खाली बात में खचा तोड़ो करे तर्क वितर्क लिए क्या बात तुलसीदास जी नहीं लिखी अरे नहीं लिखी पण थी तुलसीदास जी रे लिखी उड़ा हैंग ग्रंथ थोड़े वासी है तो भगवान वनवास में रवाने वे वन टाइम में जो माता कौशल्या जी सुमित्रा जी विजय की कई विजय मलवा गया अरे लक्ष्मण जी तुलसीदास जी महाराज तो नहीं लिखियो पर लक्ष्मण जी के पोतारी रानी उर्मिला ने मलवा गया था लक्ष्मण नी रानी रो नाम हतो उर्मिला उर्मिला ने मलवा गया वन टाइम में जो लक्ष्मण जी जाने का मैं कहूं के नहीं कहूं शायद रानी ने बात करूं कि मैं भगवान री सेवा में सबदे वर्ष रा वनवास में जाऊं ने शायद मने जो ना अनकार करे तो कह पर मने तो उर्मिला ने पहली ठा तो क्या आप आज यूं क्यों तो लक्ष्मण जी कह मैं एक बात पूछूं के पूछ नहीं कोई कोई ने आप मने आज आज की तारीख में आप अटे नहीं आवनो तो मने पूछो आवर चाहे लोग पड़ियो तो लक्ष्मण मरद वेता सता दशरथ जी का पुत्र भाई राम रा भाई लक्ष्मण जो वनवास में सरदे सागर वनवास में जाता नहीं वेला रानी ने मलवा गया आप नहीं आवनो तो आडे हमें उबे उर्मिला लक्ष्मण जी माइला पड़े उबे जरे उर्मिला लक्ष्मण जी ने कहे उर्मिला रे आंखे आंसू आयो लक्ष्मण जी कहे मरदरी औरत रे आंखे आंसू नहीं आवनो सही और रानी थाना आंख में आंसू क्यों तो के आप वनवास सदे साल भगवान री सेवा में जाओ जनारू मने आंसू नहीं आता मने आंसू अण कारण ते के गजब कीदा थे मन पूछो आया मैं जनकरी पुत्री राजा जनकरी पुत्री ने राजा दशरथ जी रे घरे पुत्र वधू और मने ते पूछो आया तो संसार में मारो एक अपमान हुआ जाओ मारी छुट्टी है सबदे वर्ष भगवान री सेवा में रेजो मारी बहन सीता हो रियोड़ा दुखी रियोड़ा नहीं है जो उनकी सेवा बराबर कर जो और शायद कोई तरह तकलीफ है तो आप तकलीफ देख दो सीता ने और राम ने तकलीफ नहीं बहनी चाहिए ने ज्यादा वो कष्ट आवे तो हमारे कारण थे प्राण करो छोड़ जो और मैं भक्ति भगवान रा नाम री भक्ति करे ने उम्र पूरी काढ़ू पण थे भगवान ने कटे तकलीफ नहीं वे रेजो मारा मारा सिर रो सिंदूर पर भूछी जे मतलब स्वाग नहीं रहे नहीं परवा नहीं पर भगवान की सेवा में विलंब मत कर जो अत्रो कहते हैं उर्मिला आदम अलगी हुई पास पगिए पाचा हर किया के लक्ष्मण जी पाड़े विंद्र वने हुआ तो उर्मिला वन पगई जुगरिया सब दे साल तक लक्ष्मण जी तो सब दे साल निंद्रा ऊंग त्यागी अन्न त्यागियो पण उर्मिला अन्न ऊंग सब त्यागन सब दे साल तक हागी पगो माते उबरिया पासा राम लक्ष्मण सीता जी वनवास ती आया जितरे उर्मिला वन पगे उबरिया और कोई अन बात ने नहीं माने के सब दे साल की कर उबरे है के तो आज वो तो तेता युग तो आज कलयुग रे माया अयोध्या रा संत कई जना पगो माते उबाए बारे बारे वर्ष हुआ खड़ी तपस्या करे रही है तो हमें कलयुग रे माया हुआ तो वो तो तेता युग तो क्यों नहीं उबरे है के अन में शंका करवारी कोई जरा ही जरूरत नहीं है तो भगवान चित्रकूट माते रहता चित्रकूट माते भगवान कुटिया बनाई थी और राम सीता कुटिया में हुता और लक्ष्मण जी कुटिया थी सेटे सेटे रात रात चौकी गिस्त में फरता तो एक दिन निंद्रा है कौन ओंग ओंग स्त्री रूप बनायो खूबसूरत रूप बनावे सफेद कपड़ा फेरे और वहां निंद्रा है जो लक्ष्मण जी रात रात चौकी में गिस्त में फेरे रिया है और रस्ता रे में आवीन हम उबी रही कौन निंद्रा लक्ष्मण जी कह रहे मारा रास्ता में औरत कौन लक्ष्मण जी अलगा छेटे उबरिया पूछिए कौन है के हाथ जोड़े के लक्ष्मण मैं निंद्रा हूँ तो अटे क्यों के मने एड़ो लागो एक आपने घना दिन हुआ है ऊंग ने त्यागियो ने जो आपने थकेलो आयो हुई थकावट आई हुई जको मु आप थकावट दूर करवा आई हूँ लक्ष्मण जड़े राम और सीता झुपड़ी में होता है पौड़िया था भगवान सीता जी पूछे सीता जानकी आज लक्ष्मण ने हाथे कौन बात करे सीता जी के वहां कुछ बोले थे मैं झुंपड़ी में राम और सीता जी कौन मोड़े पर बात उठा नहीं पड़ी धीरे धीरे झुंपड़ी में बारे आया बारे आया जी तो रास्ता रे मैं सफेद कपड़ा में स्त्री उबी है लक्ष्मण जी छेटे हुआ है लक्ष्मण जी कहे तू मारो रस्तो छोड़ दे थने कने अड़ा हमेशा दिया लक्ष्मण ने थकावट आई है ऊंग ने कहे के तू कहे के मैं थकावट उतारवा आयु एड़ा थने हमेशा दीदा कने लक्ष्मण ने थकेलो आयु थने ठा नहीं है कि मारे सन्मुख राम और सीता है जन्ने हमें राम सीता है वन्ने थकावट करी जिंदगी में आती इसको आज ही
રામાયણ પૂરી આપણી રામાયણ વળી તો લીલા કીધી આપણે હારું છે આજ આપણે રામાયણ પડ્યો તો આપણે હારું હે જન્ય હૃદય મેં રામ ઓર સીતા વને કોઈ વાત થાકેલો કદી આવતો જ નહીં તો લક્ષ્મણજી વને ઊંઘને કહે એક મારે સામે રામ ઓર સીતા મને થકાવટ નહીં આવે તો હાથ જોડીને કે હું આવ્યું તો થોડી તો મને સેવારો મોકો દો કે નહીં મારે કોઈ સેવાની જરૂર નહીં લક્ષ્મણજી કહે હું ખુદ સેવક હું સેવક કદી બીજારી સેવા લેતા નહીં મેં તો રામ નો સેવક હું ઓર સેવક કદી બીજારી સેવાને નહીં સ્વીકારે મેં બિલકુલ તારી સેવા નહીં સાહું તો વા નિંદ્રા કહે કે મારો ઓ શીર હે જેકો થારે અડો નહીં મું ક્યુંકે થી 12 વર્ષ સરદે સાલ થાને બ્રહ્મસારી પાલન કરનો હે જેકો મું થારે અડો નહીં મું અદર અદર ઓ શીર થારે માથે ફેરું સરદે સાલ તક થાને ઊંઘ સતાવે કોઈ કે મારે નજીક નહીં આવણો બિલકુલ મારે સેવા નહીં સહી તો અમે હાથ જોડે નિંદ્રા કહે હું આપણી દાસી હું અને મને થોડી હું આવ્યું તો કોઈ ને કોઈ મને સેવા ભળાવો તો લક્ષ્મણજી કે તું કરી સેવા કે હા હું કરું તો મને તો બિલકુલ થકાવટ નહીં હે મારી રાણી ઉર્મિલા હે હજી હાગે પગો માથે ઉભા હે મારે હા મેં તો રામ ઓર સીતા હે ઓર વન્ને પાડે રામ સીતા નહીં હે જો વન્ને સાથ થાકેલો આયો ભી ઉર્મિલા ને જો તું અયોધ્યા જઈને વન્નો થાકેલો ઉતાર મારે કોઈ એટલે સેવા ની જરૂર નહીં ઉર્મિલા નો નામ લીધો લક્ષ્મણજી આર ભગવાન સીતાજી જલે નહીં હકે દડડ દડડ આંખમાં પાણી પડે ના તો રામજી સીતાજી ને કે હકે ના સીતાજી રામજી ને કોઈ કહે કે બોલનો બંધ વેગ્યો ગદગદ વેગ્યા જાનકી જી કે ભગવાન ને કે આપ ઓપી બારે નીકળી કતરા દિન હુઆ ઓપી ઉર્મિલા તો કદી યાદ નહીં કીધી અરે એ ઓપન તો થઈ નહીં લક્ષ્મણ આજ કે હવે તો હજી ઉભા હાગી પડે આપ તો આપની માયારો પાર નહીં હે ભગવાન કે જાનકી કીકર કરો કે આપ કીકની કડી રૂપ જાઓ ક્યુ કે આપને સરદે સાલ તક કે કોઈ નગર મેં તો જાણો નહીં નગર મેં જાઓ જર તો આપ રોજ વનવાસ ખંડિત વે પણ આપ બીજા રૂપ કડી રૂપ થી આપની માયારો પાર નહીં આપ જઈને મને ઉર્મિલા ને દર્શન દો બીજી કોઈ નહીં સાવ તો રામ સીતા હે જેટે ઉર્મિલા આપણે મેલ ને બારે ખડા હે ઉભા હે ઓર બટે વીત મેં હમે રામ ઓર સીતા ઉભા હે ઉર્મિલા કહે કે મારે હમે રામ સીતા ઉભા મને હપનો આવે હું ઊંઘ મેં દેખું એ હસણી ઉભા હે મને ઊંઘ મેં દેખું જરા આપણી આંગળી મૂડામાં ગાલે સાવે કે હું ઊંઘ મેં તો નહીં કે ના જાગું જેડે ભગવાન નેડા હરક્યા માતે હાથ દેન કે બેટી બોલ કાં છે ઉર્મિલા કે હસણી રામ સીતા મારે હમે આયા ઉર્મિલા હાથ જોડીને કહે કે મારે કાની તકલીફ હે અરે ભગવાન કહે તું કોઈ માંગ ઉર્મિલા કહે કે માંગું કહું મારે બાકી કામ પહેલા તો આપી જ બતાવો હું આપણે કને કહેવડાવું સામે કે મારે માંગણો કોઈ બાકી કામ સંસારમાં મારે કોઈ કમી કાન નહીં જોકો હું માંગું રાજા જનક સંસારમાં વિદે રાજા જોકો જીવન મુગત તો ઘણા પૂરા પણ વિદે રાજા એક જનક જ હોય રાજા જનક વિદે રાજા ની પુત્રી આર રાજા દશરથ રે ઘરે પુત્ર બધું અબ મારે બાકી કામ શું કહે જોકો હું માંગું કે બેટી કઈ બાકી નહીં પણ હું આવ્યો તો કુછ ને કુછ તો માંગ તો કે આ વચન દિયો તો માંગ ભગવાને ઉર્મિલા ને વચન દીધા માંગ વચન દઈને પછી ઉર્મિલા માંગ્યું કે આપ જો મને વચન દીધા હવે તો આપ એસી કોઈ માયા કરો કે સૌદે વર્ષ પૂરા વેત્રે મારા પતિ ને લક્ષ્મણજી ને હું યાદ નહીં આવણી થઈ ગયું અગર જો લક્ષ્મણજી ને મને યાદ મૂરી આવી તો અમકે યાદ આવી તો આપને ચિત્રકોટ એટલે ધક્કો ખાણો પડ્યો આપને તકલીફ પડી ને વળે કદી યાદ વળે આપને અમે ધેર ધકે જાઉં ધક્કા વળી ધક્કો ખાણો પડ્યો અને વાસ્તે ઓ જ માંગું કે આપ મારા પતિ ને હું સૌદે સાલ તક યાદ નહીં આવણી છે રજ સર્પ નિહારી રે ભોયક ભાગા વારી રે હા અરે હા ગુરુ જ્ઞાન બતાયો રે ઓ જગ ઝૂટ લખાયો જ્ઞાન બતાયો રે ઓ જગ ઝૂટ લખાયો
गाजल दिसे रे कोई पिया न पीजे, मर गाजल दिसे रे कोई पिया न पीजे, कोई पिया न पीजे रे अरे वसुआवी से बतायो रे ओ जग झूठे लगायो रे, गुरु ज्ञान बतायो रे ओ जग झूठे लगायो रे, जग झूठे लिखाया रे ओई मन ने से आया रे हा अरे हा आहा। अरे शिप अनुपारे कर जानिया रूपारे, जू शिप अनुपारे कर जानिया रूपारे, कर जानिया रूपारे कोई भया न भूपारे हाँ अरे हाँ आहा। गुरु ज्ञान बतायो रे ओ जग झूठे लिखायो रे, गुरु ज्ञान बतायो रे ओ जग झूठे सुत झूले रे आकाश न फूले रे, मंजिया सुत झूले रे आकाश न फूले, आकाश न फूले नहीं सुंदर भूले रे हाँ ए हाँ आहा। गुरु ज्ञान बतायो रे ओ जग झूठे लिखायो रे, गुरु ज्ञान बतायो रे ओ जग झूठे लिखायो, भक्ति करनी मुश्किल है, मुड़ा कहना सहज बात है और करके दिखाना और बात है। भक्ति कने की दी के धना झाट, भक्ति रूपी कपास वायो, हचेलो कपास नहीं हो भक्ति रो कपास वायो, झाट तो खेती करे अपने जीव कपास वावा जीव मने धने झाट भक्ति रूपी कपास वायो, और कपास माते आवे फूली जैन तैयार हुआ कपास काम घना वर्ष भक्ति की दीजिए वो कपास वायो पायो ऊंगी मोटी हुई वोकनी डीडिया लगा कपास फाटो और जत्रे वन धना भक्त रो प्रलब्ध पूरो हुआ, मतलब उम्र पूरी हुई जत्रे कौन हुआ जत्रे हुआ है जिको अपने जिको जिको दादू जी महाराज जात्रा पीजा रहा था, धनो जाट भगत हुआ बने कपास वायो तैयार हुआ और जेड़े वर्णो प्रलब्ध पूरो हुआ उम्र पूरी हुई जत्रे हुआ दादू जी महाराज जात्रा पीजा रहा शरीर पीजा रहा करो तो दादू जी महाराज वन कपास ने पीजियो पीजे करे पूणिया वाले तैयार की दी, पूणिया वाले तैयार की दी जत्रे दादू जी महाराज प्रलब्ध उम्र पूरी हुई जत्रे कौन हुई कर्मा झाट ने कर्मा बाई है जो मन पूणिया ने काती दागो है जो मैं गल्डी बीजी नहीं राखी कहो भक्ति रे मैं गल्डी नहीं आले काते इन कोकड़ियां बनावे तैयार की दी आए वन कापे इन कर्मा झाट ने कोकड़ी तैयार की दी रू हुतर इन जत्रे वन नो प्रलब्ध पूरा हुआ जत्रे कौन हुआ कबीर जी महाराज वन तोणो तणियो तोणो तणी सुंदड़ी तैयार की दी जर कोई भजन गावे के रंगावो रामा सुंदड़ी अरे अन सुंदरी लीले आदनरा दोई ने श्यार रंगा वो रावा सुंदरी वाह कबीर जी महाराज सुंदरी भक्ति रूपी सुंदरी वणे तैयार की दी जत्रे कबीर जी महाराज रो प्रलब्ध पूरो हुओ जत्रे कौन हुआ मीराबाई हुआ जो मीराबाई वा भक्त सुंदरी ओडी लावो लीदो तो अतरा वणारी पेड़ियां हुई जरे भक्ति पूरी हुई मीरा को लावो लीदो तो ओपे जाना हुआ एक बेदन कने माला बीजी गाली मन के आयो भक्त आओ जो भगत जाने हुआ बरा भक्ति मुड़ा कहनो सहज बात है, भक्ति करके दिखाना और बात है, हर एक आदमी नहीं करिए गए
भक्ति में भक्ति करनी है सहनशीलता से जे। एक काठियावाड़ में अमरेली क्रीन गांव में, काठियावाड़ में अमरेली गांव में एक मूलदास संत रहता, वैरागी संत था। मूलदास जी महाराज अतरा सिद्ध महात्मा था कि जरे बाजार में निकलता गांव री हेरी में, जरे मन कापा पर नैना छोकरा लावे पगम नागता के भाई माते हाथ फेरे तुम्हारो छोकरो जाने अजर अमर वे जाए। एडो वणो मूलदास जी महाराज रो भजन रो प्रकाश तो अतरो चमत्कार हतो कटे काठियावाड़ अमरेली गांव में। तो मूलदास जी महाराज कई करता गांव रे बारे कुओ, कुआ माते हाथी पानी हिंचे ने हनन करता, और वटे कोई पीपलो दरकत वटे गीता रो पाठ आपरो क्रम कांड करता। तो एक दिन महाराज मूलदास जी संत गांव ती छेटे कुओ वटे जाए पानी हिंचे हनन करे आपरो गीता रो पाठ करवा आया, पूजा पाठी करवा माते आया। और जतरे गांव में ती एक बाई आई विधवा, तो वह आप घात करवा आई कुआ मत, हाँ वो तारी हत्या करवा आई, आप घात करवा क्यों मने पाप पले पड़ गयो। तो वह आप घात करवा आया कि मुन पाप रो बाप में करने बताऊं मैं खुद ही खत्म मैंने ठीक है। जतरे मूलदास संत वन पीपल ले नीचे वे जो बैठा आप रो गीता पढ़ना पाठ पूजा करता था, उन्होंने छा पड़ी कहा भाई कोई आप घात करवा आई। जट आड़े वाले पूछिए माई अटे क्यों, तो के महाराज आप अटे धके केड़ा लादा, मुँह तो मारी हत्या करवाई क्यों, क्योंकि आपने में आप माई तो और मारे मारे मैं पाप पले पड़ी उन वास्ते मुँह पाप रो बाप कटे बताऊं तो मैं खुद ही जानो ठीक है। महाराज एक और बी जीवन हत्या है, महाराज कहे कहने बाप रो बताए तो जीवे ना बतावे जे है ही नहीं, तो के तू यू कर तो जीवे तो करा कहा तो जीवे को पर मुँह बताऊं कने, तो तू गांव में जानी के पाप रो बाप मूलदास। अरे महाराज आपने तो मन ईश्वर तरीके माने दिया है के थारे बीजी हाँ बात तू उठा पाची फिर गांव में जा, जो काम भीड़ पड़े तो के अनपाप रो बाप मूलदास, बात फूट गई गांव में के अनपाप रो बाप मूलदास। अब मन जो बुरी तरह मूलदास जी महाराज ने मारिया, लकड़िया बाठा ईठा बुरी हालत की थी, और मूलदास जी महाराज ने कालो गद्दो लाइन कालो मूडो करीन गांव रे में फेरिया। अब जो पूरी काठियावाड़ में हाथ रख मूलदास संत आएगी, तो मूलदास जी अपने अटी ने जामनगर दरबार मूलदास जी महाराज रात्रि कंटी बजाई उड़ गई छेला उड़ा था। जामनगर दरबार कोने आवाज गई के मूलदास जी संत एड़ा है परादी वे गया, जो कंटी तोड़े नाक दी थी जामनगर दरबार। और मूलदास जी संत कई जनर माते हाथी दान कई जनर कंटी बोदी थी, पर तंदन मंदरी बात तो मूलदास जी के जामनगर दरबार ही जानता। और मूलदास जी महाराज ने ठा तो जिंदगी में तो कई है जो कौन शरीर है कलम की शरीर है, पर वरुणा ने खातरी थी कि जामनगर दरबार ने मैं कलेजारी बात की दौड़ी, वरुणा ने कभी मारा बारा में कोई शंका वेज को अत्री, वरुणा ने खातरी थी जामनगर दरबार ने मारा बारा में कोई शंका कदी नहीं वे, पर वणी वा कंटी तोड़ी नाक दी केड़ा गुरु का नाम ही कौन नहीं लिए। तो अब मूलदास जी महाराज के एक दिन तो वटे ही पड़िया रिया। अब मूलदास जी कह द्वारका जी प्रा पड़िया पड़िया का करो, तो जाता तक बस में याद आयो कि जामनगर दरबार में मलतो ही जाओ, पाना ने बात आई रही कि मैंने कंटी तोड़ी नौकी दी। तो मूलदास जी संत देखी और कंटी तोड़ी नौकी तो कहीं को अपने वनी भेट पूजा नहीं लिया, दक्षिणा बीजी नहीं लिया, वरना अपने वेता तक रोमा समा करना है बीजो कहीं को। तो अटिन तो मूलदास जी महाराज जामनगर पहुंचिया, अटिन जामनगर शहर में कोई मोटा महात्मा आयोड़ा, मोटा मटाधीश हाथी बंद ठिकाना रा मैं चको दरबार कहीं बीजी पाची कंटी बजावे गुरु करवा हर बीजी कंटी बजा शहर है जामनगर शहर में कोई राम द्वारो मंदिर तो बटे पूरा गांव री बैठक हुई कि आज दरबार पाची कंटी नवी कंटी बंदावे मोटा मोटा मैं आई है। अटिन तो वे आयोड़ा वन मंदिर में गांव री बैठक हुई दरबार आपकी गादी माते गुरु महाराज ने मोटी गादी लागोड़ी ने वे कंटी बदावा हारू बैठा नटी ने वे मूलदास जी संत आया पूछिए जर के सा दरबार तो आज राम जी रो मंदिर राम मंदिर में बैठे हैं गांव री बैठक ने एक महात्मा जी आया जो नवी कंटी बदावे तो के कोई कौन आप जो मूलदास जी महाराज जो मंदिर रे बाड़े दरवाजे उभा रिया आज छोकरा ने मेलियो मैं के दरबार ने केजे के मूलदास संत आयो जो आप मिलनो है खाली रामो क्षमा करना है के जो आप रे मारे नमस्कार नहीं लेना, आप रे मारे कोई सेवा भेंट पूजा नहीं लेनी, खाली रामो क्षमा करना है। मैं जैन क्यों की मूलदास जी संत आया ना आप दरबार ने बुलाई है दरबार की कहना आई है चतई मां मैं दहशत के गुरु मानी उड़ा था तो के जी बाव सिंह के जी महेश पधारो तो मंदिर रे बारे का होता हो कि यूं खुलो उखड़ा बीजा वट एक मरियोड़ी बिल्ली पड़ी थी मुड़ी मिनी पड़ी ताजी कोई काले का हाजरा गाड़ी सो जट महाराज वा टोंग थी पकड़ी मुड़ी मिनी लेना लिया मैं सबारे मैं वे तो मैं तो वहां बैठे वे राजा दरबार देखिए महाराज ने आ कोई आवारी रीत है सभा में आवारी रीत है ये कोई संत है
वने तो टोंग दी पकड़ी लावे वने दरबार है मेहनत ने मोटा मोटा आदमी बैठा वने वर्ष में लावे नोक दी दी। अरे कहते हैं संत भेड़ा हुआ ने मार एड़ा एड़ा मान संत भेड़ा हुआ ना बचिया बापड़ा काल का भूखे मरे। हाँ आ तो मुझे काल का ना बचिया रोवे रिया थे ने जीवती करो अन्य जीवती करो कब जीवती करे तो सीताराम रावे जी बैठा महाराज तो पागल तरीके ने रॉब करे हमारी मेहनत जीवती करो के बाप जी मत ही कोई मुड़ा आज जीवता बन कल रे ए तो बात है कभी किया मुड़ा कोई जीवता हुए ही है। अरे भाई संत तो कर सके तो की बाप जी आप ही करो। पड़े गंगा जल तैयार पड़ियो तो हाथ में लेता ही और मूल दास जी महाराज मंदिर में संकल्प की दो के भगवान मारी उम्र में तीन महीना ओसा और तीन महीना मारी उम्र बिल्ली ने मलनी चाहिए और जड़ा छोटा नौकियो देख कूद कौन मीनी बारे जाती है महाराज ने गादी दिन राजमान की दाए और मैं जी आप रस्ते गया तो संसार में भक्ति करनी कोई सहज बात नहीं है। भक्ति करनी और बहुत सहनशीलता सही है। हर एक आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। अर जब तप योग विदाना बहुवेद पुराण वखाना बहुवेद पुराण वखाना। मुझे भक्ति है सुखारी सुन सबरी बात मुझे भक्ति है सुखारी सुन सबरी बात सबरी बात हमारी रे सबरी बात हमारी ओ सबरी रे बात श्री राम के सुखकारी सुन सबरी बात श्री राम के सुखकारी सुन सबरी बात हमारी। कोई सांप तिलक तन धारे कोई जटा विभूति रमावे कोई जटा विभूति रमावे कोई सांप तिलक तन धारे कोई जटा विभूति रमावे कोई जटा विभूति। मुझे प्रेम भक्ति एक प्यारी सुन सबरी बात मुझे प्रेम भक्ति एक प्यारी सुन सबरी बात सबरी बात हमारी है सबरी बात हमारी है सबरी रे बात श्री राम के सुख सुन सबरी बात श्री राम के सुख सुन सबरी बात। भक्ति हूँ सकर मानू निज भक्ति हूँ सकर मैं कुल जाति में जानू निज भक्त हूँ सकर निज भक्त हूँ सकर ये वसन सत्य निरधारी सुन सबरी बात ये वसन सत्य निरधारी सुन सबरी बात सबरी बात हमारी रे सबरी बात हमारी ओ सबरी रे बात श्री राम कहे सुख तुझ प्रेम है दिल में आए तेरे हाथ वेर फल खाए तेरे हाथ वेर सबरी बात हमारी रे सबरी बात हमारी ओ सबरी रे बात श्री राम के सुख कारी सुन सबरी बात श्री राम के सुख कारी सुन सबरी ए ए बोल राम चंद्र भगवान सबरी जो बीलनी हती
वहां एक राजा री पुत्री थी, भील राजा। सुवर्ण व्या मोटी हुई व्याव ऋषि जान बुलाई। वन टाइम है जो जीवात्मा बकरा अकरा लाने तैयार की था, तो बात सबरी आप हरी के हम इन छोकरियां पूरे पूछे रे छोरिया ये जीव क्यों लाया है? तो छोकरिया कहे कणोरी हत्या हुई थर व्याव है देखो अनोरी हत्या हुई। सबरी करे राम राम महाराज जीव रे कारण जीवा री हत्या वे तो मारे संसार में व्याव करनो ही नहीं। जो रात्रि टाइम रे मैं वे तो वनोली काटे कोई कोई करे काम करे सबरी आप घर छोड़े निकल गई जंगल में जाती रही पत्ते ही नहीं लागो। तो जगह ऋषि मुनिया आश्रम था बटे जाए ने एक दरखत रे माथे बे रात रा दिन रहा तो आप रे पांदड़ा है कोई फल फूल खावन खाए रात रा झाड़कार माते जैन भी है क्यों को जीव जनावर भेर है। अब रोजी ने विचार करे मारे भजन करनो ईश्वर तपस्या करनी पण काटा की करवे मैं स्त्री जाती जात्री भीलनी और मैं भक्ति की कर करूं। भक्ति तो भेद बिना भक्ति नहीं वेती, भेद बिना सोरी नहीं वे, भेद बिना न्याव नहीं वे। न्याव करना वे तो वात रो भेद वे तो न्याव करिए गए, सोरी करे तो भेद वगैरह नहीं वे। भक्ति करनी वे तो भक्ति रो भेद सही है। भक्ति रो भेद कौन दिए? संत दिए। संतों रे कने कई तरह री साविया है, एक सावी नहीं वनर कने घनी साविया। जो संत है वनर कने तो कुंसी और झूला झूला है। देखो साइकिल माते गम लेन फरे झूला मन करा ताला ठीक करवा कोई के ताला ठीक कराओ। संत है वही यूं फरे दिया है कोशिश करे ने ताला ने खोलवारी करे नहीं वे तो घास लेट ना के पर तालो ज गिया भी तोड़ वेजर तो वही कुंचे वाले ले गए। आशा तो सबरी है और देखे भक्ति करनी पण संतारे कने जाऊं तो भेद मिले मले। अटे ऋषि मुनियारा झूपड़ी आश्रम है पण मु वटे जाऊं संत मने शायद मैं आवाज एक नहीं दिए क्यों जात्री स्त्री हूँ और भीलनी हूँ मन मैं नहीं आवाज दिए निराश में पाछी वटी बैठी रहे अने एक दिन बैठी बैठी रात रा युक्ति हुजी एड़ो बने रस्तो हुजियो कहा बेटे मतंग ऋषि एक रहता मतंग ऋषि ने चार शेला था बेचारे शिष्य और गुरु है जो रोज पंपा सरोवर वाते स्नान करवा जाता चार बजे रात रा प्रभात रा चार बजे चार शेला गुरु महाराज पंपा सरोवर माते स्नान करवा जाता। तो बटे कहे तो एड़ो मार्ग उजड़ मार्ग था छोटा छोटा जरमटा वे झाड़का कोटा करवा नेड़ा जा सबरी काम करे रात रा आधी रात रा उठे जो महाराज मतंग ऋषि रा आश्रम थी सरोवर उदी जो आप पलाती हाथों तीन रस्ता साफ करे साफ करे पाची जाए झाड़का मार बैठ घना दिन हुआ मतंग ऋषि कह रहे रस्तो साफ कौन करे सेला तो महाराज जगह हमारा जगह ये तो सबूत है। हाँ रस्तो साफ कौन करे और मारे तुम्हारो वजन खोवे पकड़नो पड़ी सोर ने क्यों के बुआरो निकालवारो फर्ज गणो सड़े अपने घर में आप और संतरी अपने घर में शायद संतरी छोकरी के सामी साधु ब्राह्मणी कन्या आवे कोई कौन थी अपने घर कदी पांच दिन दस दिन रहवारो काम प्रो पड़े तो हरेक काम प्रो पानी प्रो ब्राह्मण काम प्रो करावण अपने घर बुआरो नहीं ले रहा क्यों नो फर्ज ज्यादा वे देखो भोपा बीजा घूमे जर के जा भगवान री पावड़िया बोल बोर वारो फर्ज गणो सड़े। तो मतंग ऋषि कह रहे हो रस्तो कौन बोरे एक दिन रात रा महाराज सिपिन बैठा ना सबरी कहीं हुआ नहीं वंदन सबरी है जो को जागी नहीं नींद आई रही चार बजवान हुआ ना उठी जैन उतावल में रस्तो बोरो ढुकी आज मार मोड़ो हुआ प्रो और जत्र श्यार शेला ने गुरु महाराज आवे अन्य बोरती देखी जट आवे महाराज की कौन है तू तो अड़गम नमस्कार करवा ढुकी महाराज तो जट जाए उन्हें हाथ पकड़िए अरे बात ही मत मुँह भीड़ नहीं हो जा स्त्री आप तो ऋषि में स्त्री जात्री भीड़ नहीं महाराज तो हृदय में लगाई साथी रे लगाई बेटी थे अन्याय की दो कतरा दिन हुआ तू आता हूँ रस्तो कर लिए तो छारी शीला कहे महाराज तो आज तो गलत कहो अतरो तो अन्य हित नहीं देना सही अन्य अन्न ही नहीं सही ऋषि यहाँ पे शीला ने अतरी घरना आई महाराज तुमने माते हाथ पेरी हो बेटी तू जा के बाद से मैंने कोई वसन दो भक्ति करनी मैंने कोई न कोई यारो सवाल लियो के तू पचे मारा आश्रम में आओ जम तू थारी जाती रे अब तो मैं स्नान करवा जाऊं तो ए गुरु शेलो आते आते गया हम शेलो तो सियार मन में आवी घटना आली के महाराज आओ यूं का की काले की थी और यूं करता सरोवर माते ज्ञान के पानी रक्त वे जी रक्त वे गयो चेला केर वासी ओ का के भाई ओ तो रक्त कोई अथे संतरो तो कड़ी अपमान नहीं की दो कड़ी भक्तरो अपमान तो नहीं की दो के वासी जिंदगी में कोई में भक्तरो अपमान नहीं की दो के भाई नहीं की दो वे तो पानी एड़ो नहीं वे
तो बाज मैं तो कटे मने तो याद नहीं कि मैं संत कोई भक्त रो अपमान की दो तो के एक बात सबरी मड़ी थी जर तो थाने कोई नहीं लागो के बाज वो तो दुख घणो लागो तो के ओ वा थे तो संत हो वा महान संत है ओपे तो भक्त वा महान भक्त है क्यों अपने मन में तो घमंड है कि मैं ऋषि हूं भजन करूं और वा निर्दोष है उन दिल एकदम साब दे जनती हो थे गणना करवाती हो पानी रक्त वेजू है तो सिला के बाजी में हावड़ कानु है के वन्ने बुलाओ और उन्हें शरण पकड़ माते पानी नमो शरण और माते जरे सबरी ने बोला शरण पकड़ वो पानी नमो सबरी कह रहे बाजी अन्याय को भगवान अपने मतंग ऋषि के जा सबरी कई जना तो संत भगवान ने हमें जाए ने थारे वो आटा आश्रम बनावनो नहीं छोड़नो भगवान खुद थारे टे आवे थारे एक ही गुरु रो सवाल वसन याद राखनो और सवाल में माते जो कौन में श्रद्धा पूरी भक्ति दृढ़ विश्वास करजे के राम और लक्ष्मण दो ही भाई थारी झूपड़ी आवे आवी कदी वो मुनि के अत्रो सवाल के मतंग ऋषि अपना आश्रम में गया सबरी अपना आश्रम में गया भगवान रे रोज बोर देखे देखे लावे बुढ़ी वेगी बस फोन में गीती जनी सपा खाकड़ो वेगी बुढ़ी जरे भगवान वनवास में गया जरे राम लक्ष्मण सीता जी खोज में फरे वन टाइम है जो कई ऋषि मुनि देखे वासी थोड़ी मारा झूपड़ी आश्रम पधारो भगवान कह रहे हैं कि दोले वो सबरी भी झूपड़ी कटे मार बटे जानो है भगवान सबरी भी झूपड़ी जाए भगवान ने बोर खवाड़े वन टाइम भगवान कह ये सबरी माने भक्ति सुखारी है बाबू जी मैं कोई नहीं की दो जप के तप के तीर्थ के व्रत के कोई नहीं की दो भगवान कह मैंने कहा मतलब नहीं है जप तप व्रत योग विधाना बहु वेद पुराण वखाना मुझे भक्ति है सुखारी सुन सबरी बात हमारी कोई साप तिलक तन धारे कोई जटा विभूति रमावे मुझे प्रेम भक्ति एक प्यारी भगवान कह सबरी मारे तो प्रेमी भक्त होना सही मुझे प्रेम भक्ति एक प्यारी सुन सबरी बात हमारी नई कुल जाति में जानू भगवान कह सबरी मने कुल थी के जाति थी कोई मतलब नहीं कोई भी जाति रहो कोई कुल लो पर मारो निज भक्त होना सही सासा मंती नहीं कुल जाति में जानू निज भक्त उस कर मानो ये वसन सत्य निर्धारी भगवान के सबरी मेरा वसन है तू सत्य समझ ये वसन सत्य निर्धारी सुन सबरी बात हमारी श्री राम कहे सुखकारी सुन सबरी बात हमारी तुझ प्रेम हेत हम आए तेरे हाथ बैर भड़काए भगवान के सबरी थारे टे मु प्रेम रा कारण दिया भी थारे टे आवे कोई माल मिटा के ग्लव जब खदे खदे तो बोर है तुझ प्रेम हेत हम आए तेरे हाथ बैर भड़काए ब्रह्मानंद मोक्ष हो तुम्हारी ब्रह्मानंद जी महाराज रामायण नो भाग लेनो भजन बनाई उड़े ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे मन कह के भाई मरता नहीं बेला भगवान रो नाम आवे तो वो मनक भागशाली वे ने सबरी तो खुद भगवान रा शरण में दे त्यागी है ब्रह्मानंद मोक्ष हो तुम्हारी सुन सबरी बात हमारी श्री राम कहे सुखकारी सुन सबरी बात हमारी जुगरी बात है जमाने री बात है ओ जुग और जमानो तेता युग रे मैं सीता जी रामायण पूरी रे जर सीता जी रो बताए कि सीता जी जमीन में समाया था जमीन हीरी माग दी दो और जमीन में समायान पाची पृथ्वी समतल हरी की हुई तो समतल हरी की हुई वन टाइम सीता जी रो शीर थोड़ को बारे प्रो रियो सीता जी जमीन में प्रवेश हुआ वन टाइम शीर थोड़ को बारे रियो जरे जत्रा अपना वार्तरा वन टाइम में संत जता वे हैंग बटे भेड़ा हुआ भेड़ा बिन वन वात रे माते खूब मथन की दो के भाई सीता जी जमीन में प्रवेश हुआ समाया तो वो शीर अत्रो पलो बारे की करियो कणे संत की अण कारण तिरियो कणे की अण कारण तिरियो वे तो मथन करता करता कणे क्यों के सीता जी मन में सीता जी रे कहवा रो सुर ओ है के भगवान मु जमीन में प्रवेश हो जमीन में सीता जी के समा उजर भगवान मारे हारू रुदन करी मारे हारू माता फोड़ी जरे आ मारा अन शीर ती वे आंसू लूसी अन हारू ओ शीर तरो सीता जी जानिन बारे राखियो जर संते बात निसी निस्ते की दी बात सही है के सीता जी रे कहवा रो सुर ओइस तो के भगवान मारे हारू रुदन करी जरे मारा अन शीर रा पलाती ओका लूसी क्यों तो वो जुग वो जमानो हेड़ो तो एक एक ने आंखा रा आंसू लूसता मतलब दुख पड़ता तो माते हाथ फेरता भाई भाई रा आंसू लूसता बहन भाई रा आंसू लूसता भाई बहन रा आंसू लूसता लोग लुगाई रा आंसू लूसता लुगाई लोग पति रा आंसू लूसता और हमें जुग एड़ो है के आंसू लूसवान कोई तैयार नहीं है आंसू पाड़ावान तैयार है आंसू पाड़ावान तैयार है पर लूसवान कोई तैयार नहीं जन कारण की तो छोटा छोटा रुमाल निकली आया कि भाई आंसू निकल लूसे आप अवर पाड़े रखो Thank you.
मलिया वसूरे देव जी घर जन्म लिया माता रे पिता रो संगत टालवारे माता रे संगत टालवारे कने यो आया ता गोकुल तारवा तमरियो आया ता गोकुल तारवा भगवान री भक्ति करनी है सीधे रस्ते संसार में हालनो है न तो कोई संन्यास लेनो है न भगवान गेरुआ कपड़ा करना है न घर बार त्यागनो है
भगवान री भक्ति घर में बैठे वे गए। पर एक बात जरूर है कि भगवान री भक्ति जो करनी है तो चमत्कार नहीं देखवा जानो। ओ वे एड़ा चमत्कार इन वे प्रसादी है ओ कटे कौन नहीं मानो। कारण बताऊं कि एक सिद्ध महात्मा था। वे सिद्ध महात्मा जो बाकर में गुफा में जाए ने सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धियां प्राप्त कर हमें निकलिया बताऊ आसन छोड़ी कि हमें संसार में जाऊं मन को नहीं सिद्धियां द्वारा करामात कौन बताऊं जो दुनिया झुके पड़े एडो विचार कर निकलिया। जो तेरे समुद्र बटे दरियो हो तो दरिया किनारे भी छोकरा गांव में थी आया छोकरा आपस में लड़ोड़ा है जो को एक छोकरो मोटो तो एक नैनो तो मोटो तो छोकरो नैना कूटे पर गियो ब्रो वो चोरो बटे उबो उबो रोवे जेवे में महात्मा जी आया। महाराज बोलिया अरे बच्चा रोवे क्यों के बाबूजी एक छोकरो वो जाए मन कूटिन गियो मारे सर टैंग फाड़ियो बंद मारे घरे जाऊ मारी माँ कूटी तो बच्चा रो मैं सिद्ध महात्मा हूँ मैं करामात सिद्धि प्राप्त करने जी कौम में लीदी कौन तो थारे माते पहली मैं प्रयोग करूँ जिको मारे कने जोड़ी माई थी जिको मन में दारू चीज तू कह जाए सरट कतरा लाए सही जाए तरफ दू रो मती पण तू मांग के छोरो रो तो बंद हुआ के बाबूजी सिद्ध बन मो देते जो तब दियो क्या के मैंने सर्टी सर्टी रे जेब में एक प्यालो तो प्यालो निकालियो बाबूजी वो समुद्र दरियो जो हैंग मारे प्याला में घालो महाराज रे पग थंबा भी गया के आज ती करामात करनी सीधी बतावनी बंद तो एन करामात कोई ईश्वर भजन नहीं है ईश्वरी माया समुद्र है। सिद्ध महात्मा एक कटोरी जी कटोरी है कोई दुनिया भर री माया ईश्वरी माया रो कोई पार नहीं पा सके। अक्षर गुण सुबासु मात्रा वर्ण विसार निज अनुभव की लहर में तो नहीं पिंगल स्वीकार गोकल डूंडी मथुरा डूंडी विंदरा विन सारा विंदरा विन सारा गोकल डूंडी मथुरा डूंडी विंदरा विन सारा विंदरा विन सारा काशीपुरी सकल फिर डूंडी काशीपुरी डूंडा रे हरिद्वारा तेरी शरण पड़ा में आए नाथ मन रो दर्शन प्यार तेरी शरण पड़ा में आए नाथ मन रो दर्शन प्यार ए दर्शन प्यार रे नाथ मन दर्शन प्यार रे नाथ मन रो दर्शन प्यार तेरी शरण पड़ा में आए नाथ मन कोई वेकूट कैलाश बतावे कोई सागर पारा कोई वेकूट कैलाश बतावे कोई सागर पारा कोई सागर पारा कोई कहे सब जग के भीतर कोई कहे व्यापक की तारा व्यापक की तारा तेरी शरण पड़ा में आए ना तुम्हारे दो दर्शन तेरी शरण पड़ा हूँ आए ना तुम्हारे दो बतावे घटके रे माई प्रगट उजियाला संत बतावे घटके रे माई प्रगट उजियाला कोई कहे वो अलग निरंजन कोई कहे हे सब सही न्यारा तेरी हरण पड़ा में आए ना तुम्हारे दो दर्शन
सतुर्भुजा पीताम्बर सोए शीश मुकुट धारा सतुर्भुजा पीताम्बर सोए शीश मुकुट धारा अरे शीश मुकुट धारा ब्रह्मानंद के दर्शन पाऊ ब्रह्मानंद नारायण भगवान करो देव तुम्हारे तन मन माला सा
बड़ी रमता राम दे मन में कियो विचार, रागस भैरवा कारणे दुख पावे नर नार, वन में धुनी तापता धन मलिया बाली नाथ, कौशिला कहाँ आया कहाँ जाओ, गाम नाम मुझको बताओ। बताओ तो कहे अजमल पिता मेलागर मात, तवर जात ब्रह्म दे भ्रात, बाली नाथ दिया सिर हाथ। अब शेला तुम घर जाओ, सोस करे बड़ो अंत, राग सावे भैरवो थन मार, बक्षले जाए तो के मैं वरसे बिजली खवे घटा सड़ी घन घोर, पर बात वे घरे जाऊ मने दियो रात भर छोड़। अरे मैं वरसे बिजली खवे घटा सड़ी घन घोर, पर बात वे घरे जाऊ मने दियो रात भर छोड़। जतरे आयो रागस भैरवो आवे बाली नाथ सवाल कियो, आज मुझे प्रभु बक्ष भेजी मानुष की बास पड़ी, यूं कहे बाली नाथ कोई नहीं मानुष मेरे पास, तो कह जाए कुटिया में करूं तलाश, मानुष होवे तो बूट ले आप आप, जाए कुटिया में खेसण लागो गोदड़ी अंत न आयो पार, भैरवा ने भय व्यापियो सोर जीव साहूकार, बमर वलम सोवन कटारो धनी लीले वो आसवार, गुरुदेव हुक्म दीजिए तो दुष्टि ने मार खे कर लीजिए। इहो कह बाली नाथ जो तुम सोड़ो जीव तो फेर ना आवे हाथ, पकड़ पसाड़ो भूमि पर मारे जे ले जो हाथ, राग समार रणु जो बसायो तो रामा पीर नाम धरायो। टकई टूटा ताला झटके जड़ा जंजीर, रतनो आवे हजर वो रंग हो रामा पीर। अब हरजी बाटी रणु जो छोड़े जोधपुर जावर विचार करे, आ तो वस में केतु वाले गांव आवे, आए हरजी बाटी रणु जो छोड़े जोधपुर जाए, वस में केतु वाले गांव आवे, वटे थोतो थाला आयोड़ा है, मोटा मोटा जबरदस्त धोरा आयोड़ा है, आर पांच पांच हाथ हाथ कोस माते गांव ढोणिया आयोड़ी है, गेहूं बटे आबादी मान को कम। अब हरजी भाटी उन्नाला रदन जेठ मीना रदन आयोड़ा, मध्यान तावड़ माते व्यापार तपी है, ने हरजी ने तर लागी, हरजी ने तरस लागी, हरजी कह रहे जीतुआ कोई गांव के ढोणी नेड़ी देखी थी नहीं है, हाँ अटे कोई नजीक ढोणी देखी थी नहीं है, तर लागी हमें कंड कंड बीड़ी जे। अर्जी विचार करे धोरा रे ऊपर सड़िया तो नीचे डेलो आयोड़ो खेत, तो झाट आप रे खेतर में हूड़ करे, हाथ में कई लीदुड़ी कंदाली और खेतर में हूड़ करे, अर्जी भाटी विचार की हाँ कोई आदमी हूड़ करे, अन्य खने जरूर बेलो पानी थोड़ो घणो भाई, थोड़ो अर्जी के मन पुली भरियो पानी भरो पावी तो मुँह धकली ढोनी हो रो जाऊ। अर्जी भाटी धोराई डाल नीचे उतरिया, झाट हूड़ करे रिया है, अर्जी भाटी जाइन की अरे काका राम राम है, के झाट अपूटो भरे, अर्जी धके जाए हम जाए अटी ने आवे हम फ्रेन के काका राम राम है, के घाट अटी ले बड़े बड़े, अर्जी विचार किधर वो काको पानी पावे जड़ो कोई, हाँ वो दूर पानी पावे क्यों गए, राम राम नहीं लेते तो पानी कन्नो पावे। अर्जी के अर्जी पाटी के भैया मंठा पड़ियो, थारे पानी पावर विचार को दे, भले मती पावे पर राम राम तोरा ले, जाट के मारा जाओ जाओ मारू पड़ियो, हाँ अटे पानी हानी कोई मंठा पड़ी, हाँ देखो महाराज मारे खाने बे लोटी पानी जो बेड़ी है, मारी टाउन डोड़ को ढोनी अलगी है, ने थाने पानी पाऊ आका दिन हूरती खोटी बेन पाछो घरे जाऊं जरवे, हाँ तो फिर जाट के हरजी भाटी के ए जीतवा मु मन का दे हूं, भला आदमी मन का दे, जन मनक ने दया नहीं है वो कोई मनक थोड़ी है, हाँ जन दया नहीं है वो मनक नहीं है। एक सेठ जी था जो आपने मकान जो तीजली मंजिल तीजले माल बैठा जरो काम बैठा बैठा रोड माते मनक जाए जो हेठ बैठा बैठा भाड़े ने जतरे एक गरीब भिकारी जाता तो भिकारी बने हेठ ने ऊपर बैठा देखिए अनके बने गरीब ऊंचो हाथ की दो के सेठ साहब कुछ मालिक के नाम पांच दस पैसे देना भाई वो सेठ के जाबरो जाबरो गए अरे दे कुछ ने कुछ के जा जा कोई कौन बीजी बेड़ा के भगवान मालिक के नाम दे के कोई कौन जाबरो तो वो गरीब के कोई नहीं जब बोले तो टनको भी ऊंचो की बैठो हाल मारे हाथे जन्ने पारे हैं और राम जी रत भगवान रे निमत जो पांच पया नहीं लगे तो वन धनरी कोई शोभा थोड़ी जे तो हरजी भाटी कह रहे जीतवा मन का दे हूं भला आदमी थोड़ो मने एक धोबो पानी पाव जो मुँह तकली डाणी हो रो जाऊ तो जाट के हैं जाट के महाराज थोड़ा खवा माते तो राम जी बैठा है कहा मन हरजी भाटी खवा माते सीतरो रो घोड़ो ने खवा में झोली और मैं बाटारा पगलिया पीतलो घोड़ो रामदेव जी पूजा पाड़े राके जो है वो जाट के महाराज रामदेव जी थारे पाड़े जो थारो तो मैं पानी सही मैं विरा विन पियो
अर्जी बाटी के वाला आदमी ओ कोई मारे कने राम देव जी पूजा है, मैं रावण मारा हाथी बात थोड़ी है के ना ना महाराज तो पानी होनी कोई अर्जी भाटी कह रहे मन तो अटेज परसा मांगे जोधपुर तो सेठी नटेज परसा मांगे दिए तो अर्जी के भगवान ने कह गए अवतार आज तो मने तो प्रसाद करें पानी पाओ तो धके पावड़ो हर को नीतर आप गत करें अर जाई धोरारे माते धूल रो डबू लोकी दो धूल रो डबू करे माते घोड़ा नू बोकी दो धूप अगरबत्ती बिना खाई जाए धूप अगरबत्ती खेवे ना अवतार ने याद की हरजी बाटी के अवतार आज अटे जो कहते मैं वर्षा मन पानी पाओ नीतर पाड़े वो कटारे पेश कम दे पेट रे मैं मोड़ी ना आर्मरी पार निकालू पर जीव तो जाऊ कोई तो अभी हरजी बाटी है बटे आसन लगाई बैठा है जाट के महाराज सोन बैठ दी गई पागंड कर जनारू मुँह थोड़ी पानी पाऊ मरेगा नहीं घा सोसा
आ तो हरजी पार्टी अनचिंतरा घोड़ा ने धूप अगरबत्ती करा करे, हाथ में एकतारो रो ले, एक हाथ में खरता लावरी पकड़े, हमें अर्ज अवतार ने आराध करनी मोड़ी है। आए हरजी भाटी अवतार ने याद करना मोड़ी। तो हरजी कह रहे जेठ मीने पीरा वावड़ा वाजे तपे तावड़ो धूम पड़े, सात सायरी और नीर खंशिया तो मुंह जानू नव खंड में भणकार पड़े। हरजी कह रहे अवतार मारे बाप तो आज सात समुद्र नव सौ नदियां नीनाणु नाला हैं हुका पड़ी है, क्यों आप मरेन बाप करने याद आ। जेठ मीने पीरा वावड़ा वाजे तपे तावड़ो धूम पड़े, सात सायरी और नीर परा खंशिया मुंह जानू नव खंड में भणकार पड़े। हरजी जेठ मीनारी कड़ी गई अवतार ने याद आराध की दिए तो कह तो बुतेला बुतेल वायरो वाचन के एकदम गरम जली है, ऐसी गरम जलानी जाट कह रे कह तो महाराज कने कोई मंत्र है जो मारा मारा खेतर में वायरा ने बोदी हुए, पर ये वायरो बोदे, हाँ ये वायरो बोदे जनार मुंह पानी पावर ठाकुर। हरजी कह ये अवतार हवा वाजती थी, वायरो पवन वाजतो तो जीव हो रो तो ने आ गरम जलानी हम उतरे मर तो मरुण जन में हार ने कोई फेर है। मेरे हरजी भाटी है अषाढ़ मीनारी कड़ी गावे इंद्र राजा मारी अरज सांभळो ने आप बरिया सबरो कारज सरे तो गायों वाली बेल पधारो पीर। हरजी भाटी के अषाढ़ मीने पीरा अलग थारी आसान कर्षण करे खरे मते जेठ उतरे अषाढ़ मीनो आवे अषाढ़ मीनो जावे ने जो वैरारी बागी छोट नहीं पड़ी वे जरबादी परतमी ने आप आशा लागे के अवतार हम तो अंदर वर्षे तो ठीक है जी। हरजी भाटी के आज मारी आशा लागी के आज मने एक धोबो पानी पावो तो ठीक है ने जो अषाढ़ महीनो भागो जातो वे बादी परत मीने आप आशा लागे ने पसे जो अंदर आवे धरती ऊपर प्रो उठे आए अंदर प्रो वर्षे जरे कर्षनी रो जीव राजी वे मते मते आपरा हल खेतर खेड़वा लागे। आए जेठ अषाढ़ महीने पीरा अलग थारी आशा कर्षण करे खरे मते, धोरे धोरे वावे मोट बाजरी डेले डेले जुआर वड़े। आए इंदिर राजा मारी अरज सांभळो तो हरजी कहे आज मने अटे वर्षावे नहीं दो वो पानी पावत मुझ जानू मारे हाथे हाक बवाड़ी।
जी असाड़ मीनारी कड़ी गई है, आर धुलवा जा पड़े दामन कोठल बाजी है, ए बरजरा बरज हैराल निकली है, मैं झिनी झिनी बिजली समके ने जाट हूड करते करते उनसे बाड़ी बाड़ी है। हां वो तो मैं आवे जाट के रे केड़ो ने सद ना दीदो हां के तो ने राम दे जी हाजरे हजूरे ने के ने कने कोई मैं बराबर मंत्र है ने अन साधु जो अपन शराब दीदो तो तेमाल भरा करी हमें जाट हाथ में थी कोंदाली वा हुड़की नाकता ही हमें ले पानी जो बेड़ियों ना आते आलियो बाप जी मैं तो आपने थोड़ी मजकरी हुई मजाक की दी है के सो की दी भाई आए मुँह थारे माते नाराज नहीं हूँ खे बाप जी संत वेन आप थोड़ी क्रोध करो आप तो समावा ने थोड़ी मारी मनवार मौन थोड़ा पानी घनी मौन थोड़ी दूर अलगो उबरे माते साया मती पाड़ी जाट नेड़ो नेड़ो हरके अर्जी बाटी के देख भैया ज्यादा मोड़ी नेड़ो आई तो बीजे तो मारे कने कोई जोर को ने आ कटारी पेट में खाई मरु जाट के साधु हटीलो है पर मुंह तो आ हाथियावली नकारी लागी। हरजी भाटी के अरे अवतार यूं कॉटल दे क्यों बिजली समके जनती कोई मारी तर बुझे को हमें तो आवे भूई बेड़ा वो जड़ी बात तो फिर हरजी भाटी है कहीं एक श्रावण मीनारी कड़ी गावे श्रावण मीना पीरा इंद्र राजा मारी हर संभल आप सबरो कार सरे तो गायों वाली बेल पदारो पीरे धाम जगत में रहना दो प्रभु का धाम जगत में रहना दो सुंदर काया देख लुमाया लाड करे तनका सुंदर काया देख लुमाया लाड करे तनका सूटा श्वास विकर गई दई सूटा श्वास जुमारा मन का जुमारा हरि का नाम शिव सुख धाम जगत में रहना दो धाम जगत में रहना दो हरि का नाम शिव सुख धाम जगत में रहना दो जोवन नारी लगे प्यारी मौज करे मन का जोवन नारी लगे प्यारी मौज